हेलो दोस्तों, आज की डेट में सभी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना पता ही है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते करते आपसे ये कह दिया जाए कि भाई आपको एक आईडी कार्ड बनाना है अपने डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी हो, अगर आपको एक आईडी कार्ड बनाना है तो ये आईडी कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर से अच्छा सा आईडी कार्ड कैसे बनाएंगे। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके बाद जो तरीका मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो करते जाइए, आपका आईडी कार्ड बढ़िया सा बनकर के तैयार हो जाएगा। आप उसको प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं और उसको कहीं भी प्रिंट आउट करके लगा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। फ्रेंड, जिस आईडी कार्ड को बनाने की मैं बात कर रहा हूँ वो आईडी कार्ड ये, इस आईडी कार्ड को मैंने बनाया था और यही आईडी कार्ड आपको पूरा मैं बना करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये आईडी कार्ड पूरा तैयार होगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने स्टार्ट किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट होने के बाद आपको अपना आईडी कार्ड जो बनाना है उस आईडी कार्ड को एक पर्टिकुलर साइज देना है, मीन जिस साइज का आपका आईडी कार्ड होगा। तो उसके लिए हम सीधे चले जाते हैं यहाँ पर पेज लेआउट ऑप्शन में, और यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पर मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज। तो यहाँ से हमें साइज सेट करना है। तो साइज पे हम जाते थे, यहाँ पर बहुत सारे साइज दिए हुए हैं पेपर के, लेकिन ये सारे बड़े पेजेस हैं, मतलब फुल पेजेस हैं, और हमें क्या करना है, हमें कस्टम पे रखना है या अपने हिसाब से साइज देना है। तो मैं मोर पेपर साइज पे जाता हूँ। तो मोर पेपर साइज पे जाने के बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी साइज दे सकते हैं, लेकिन जो उसका एक्चुअल साइज होता है वही हमें रखना है। तो हम नेट से आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे साइजेस वहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैंने जो साइज लेना था यहाँ पर इसका, जो मैं विड्थ लूँगा, इसके बाद यहाँ से मैं साइज ले लेता हूँ। यहाँ पर 9.78 दिया हुआ है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 3.83, और यहाँ पे कोट्स लगा दीजिए, यहाँ पर देता हूँ 2.62, और यहाँ पर भी डबल कोट्स लगाइए, और इसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने एक पेज बनकर आ गया और इस साइज़ का हमारा आईडी कार्ड तैयार होगा। आईडी कार्ड का साइज सेट हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें रूलर जो ऊपर ये दिख रही है ये यहाँ से हम सेट कर लेंगे ताकि कोई मार्जिन यहाँ पे ना रहें। ये यहाँ तक इसको हम ले आए और इसके बाद यहाँ से भी इसको ड्रैग कर दिया, और यहाँ पर जी ये राइटिंग के लिए दिखा रहा है। हाँ, अब ये पूरा पेज हमारा हो चुका है। अब इसी पेज पर हमें अपनी आईडी कार्ड को डिज़ाइन करना है। अब हम सीधे जाएंगे यहाँ से पेज लेआउट पर, और पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा वर्क, पेज बॉर्डर, पेज कलर। पेज कलर पे जाने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे जिस कलर का हमें अपना आईडी कार्ड रखना है। कलर के अंदर बहुत सारे दिए हुए हैं, मोर कलर, फिलिफेक्स, या मुझे जो भी कलर ठीक लगे। मुझे ये कलर ठीक लग रहा है तो मैं ये कलर ले लूँगा, या चलिए ये कलर ले लेता हूँ मैं। इतना करने के बाद हमें जाना है इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे हम जब जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा शेप्स। शेप्स पर जा करके हम यहाँ से कोई भी एक रेक्टेंगल उठा लेते हैं, ये रेक्टेंगल है हमारा, और इसको यहाँ से ऊपर से हम कॉर्नर से यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, हल्का सा एक रेक्टेंगल हम यहाँ से और लेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और एक रेक्टेंगल हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। दो रेक्टेंगल हमारे तैयार हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले वाले रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, और इस रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद हम शेप फिल पे जाएंगे। शेप फिल पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ढेर सारे कलर मिल रहे हैं, हम इसमें से जो कलर पसंद करें वो कलर यहाँ से हम ले सकते हैं। तो मैं कलर कोई अच्छा सा डार्क सा कलर ले लेता हूँ, जो कि चलिए ये ले लेता हूँ आपका कलर, और शेप आउटलाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नो आउटलाइन। इसके बाद मुझे शेप पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर मिलेगा एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखेंगे आप ये फोर कॉर्नर पे अलग अलग पॉइंट्स बनकर आ गए हैं। ये आपको इसके एमएस ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है
इसके वर्ड के लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलेंगे, मीन जो पुराना वर्जन है उस पर आपको ये अवेलेबल फीचर नहीं होगा, ये फीचर आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये मिल गया है, अब हमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट पॉइंट्स हमें मिलेंगे, एडिट पॉइंट्स। हाँ, एडिट पॉइंट्स में आने के बाद यहाँ पर जो पॉइंट मिला है लास्ट में, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे, एक बार हम यहाँ पर और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा नज़र आएगा। इस पॉइंट को हम ऊपर ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पिक्चर कुछ चेंज हो रही है, या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसको थोड़ा सा नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी एक डिज़ाइन हो गई। अब इस डिज़ाइन के बाद आपकी जो नीचे वाला ये जो रेक्टेंगल है इस पर हम क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी हमें एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इन एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करके यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से भी इसको यहाँ तक ले जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कराएंगे तो आप देखेंगे आपकी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो कलर आए हैं, जो ये नीचे वाला जो हमारा बॉक्स था इसका जो भी कलर है, इस कलर पे हम क्लिक करके यहाँ पर हमें शेप फिल पर जाना है और शेप फिल पे अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से टेक्सचर ले लें या कोई ग्रेडियंट ले सकते हैं, ग्रेडियंट ज़्यादा सही रहता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर हमें मिल जाते हैं। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, और अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसका कलर मुझे चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट में, तो इसमें इफेक्टिव कलर फिल करने के लिए हम इस पे इस शेप पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास फॉर्मेट शेप नीचे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फॉर्मेट शेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फिल लिखा हुआ है और फिल में भी ऑप्शन है हमारे पास, नो फिल, सॉलिड फिल और ये ग्रेडियंट फिल। बेटर रहेगा हम ग्रेडियंट फिल लें यहाँ से क्योंकि ग्रेडियंट फिल के अंदर हमें बहुत सारे ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप अपनी चॉइस से कलर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री। जैसे कि यहाँ पर हम इस लेफ्ट वाले को लेते हैं, इस पे जाते हैं और यहाँ पर से कलर अपनी चॉइस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सा कलर रखना है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाला कलर, या ये नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं जो थोड़ा डार्क हो। चलिए ये तो सेम कलर हो गया, कोई दूसरा कलर, चलिए ये कलर ले लेता हूँ। बीच वाले पे पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पर का मुझे एक कलर ले लेना है, यहाँ पर मैं ले लूँगा रेड और लास्ट वाले पे मैं ले लेता हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो ये मैंने कलर ले लिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ से डायरेक्शन या लास्ट वाले का ले इधर लेफ्ट वाले का मैं कलर चेंज कर देता हूँ फिर से एक बार, मुझे कलर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं इसका ले लेता हूँ येलो कलर और इधर मैं दे देता हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर। अच्छा, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव करा के देखता हूँ, कलर के इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, प्लस जितना मैं यहाँ से रोटेट करना चाहूँ कलर को दे सकता हूँ। आप देखेंगे इसके ऊपर पूरा इफेक्ट हमें दिखेगा, हम जितना चेंज करते जाएंगे कलर्स।
और इसके अलावा जब हम यहाँ से चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कलर में कितना चेंज आ रहा है। 190 की जगह इसको मैं और कम कर देता हूँ, और इतनी सेटिंग करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो हमारा कलर नीचे जो ग्रेडियंट है ये आपको दिखने लगा है, ऊपर का कलर अलग है। अब इसमें एक आउटलाइन आ रही है तो मैं शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो आउटलाइन यहाँ से जा चुकी है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपको ये ठीक लग रहा है डिज़ाइन तो ओके, और अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है, जैसे बीच का ये जो कलर आ रहा है, ये जो पेज का बैकग्राउंड दिख रहा है, तो अगर आपको इस बैकग्राउंड के कलर को नीचे वाले कलर से मैच कराना है तो आप सीधा चले जाएंगे यहाँ पर पेज लेआउट में, सॉरी हाँ पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट में आपको पेज कलर मिलेगा और पेज कलर आप यहाँ पर चॉइस ले सकते हैं। जैसे नीचे का कलर रेड वाला दिख रहा है तो इससे आप मैच कराता हुआ ले सकते हैं। चलिए ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और ऊपर वाले का कलर मैं चेंज कर देता हूँ शेप फॉर्मेट में जा करके, यहाँ पे शेप फिल ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से मैं, चलिए मैं ये कलर ले लेता हूँ। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कलर लेना चाहते हैं। अभी हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है, अब इसके अंदर हमें एक इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे, और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ ऑप्शन पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और पिक्चर पर जाने के बाद हमारे सामने जो खुल कर आएगा इसमें मेरे पास यहाँ से हम एक पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। ये पिक्चर हो गई, इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद जो पिक्चर आएगी वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रही है, लेकिन ये पिक्चर हमारी बैक साइड में जा रही है, इसको हमें फ्रंट पे लाना है। अब उस फोटो पर हम क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे रैप टेक्स्ट पे, और रैप टेक्स्ट में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम जाएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करते ही बिहाइंड द टेक्स्ट से पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से हमारे सामने वो पिक्चर आ जाएगी। अब इसके बाद बहुत सारे इसके अंदर शेप ऑप्शंस हैं कि हमें फ़ोटो किस शेप में पसंद आ रही है। बाय द वे मुझे ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ से पिक्चर का शेप हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मुझे अगर ये शेप ठीक लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। और फिर इसके अंदर शेप ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, चलिए ये शेप ले लेते हैं, ये शेप भी ठीक लग रहा है, नॉट बैड। या इस फोटो को यहाँ पर से उठा करके आप थोड़ा और नीचे भी ले जा सकते हैं अगर यहाँ पर आपको ठीक लग रहा है तो। इसका प्लेस कोई भी हो सकता है, यहाँ भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, एक मुझे यहाँ पर लोगो भी इंसर्ट करना है तो फिर से मुझे लोगो पर जाना पड़ेगा। लोगो पर जाएंगे और यहाँ पर फिर पिक्चर पर जाएंगे, पिक्चर पर जाने के बाद हमारे सामने ये लोगो सेलेक्ट किया मैंने, इस लोगो को यहाँ से ले लेते हैं। लोगो कोई भी हो सकता है, लोगो फिर से हमारा बैकग्राउंड में चला गया है। हमने आपको बता रखा है कि बैकग्राउंड में जब चला जाता है तो उसको हम कैसे फ्रंट पे लाते हैं। तो लोगो आप अपने हिसाब से अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही लोगो पड़ा हुआ था तो उसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब इसके बाद मैं जाऊँगा रैप टेक्स्ट पर और वही काम करना है मुझे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये अपने आप हमारे सामने आ जाएगा, और चाहें तो इसमें भी हम शेप के हिसाब से इसको कुछ चेंज कर सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे। पिक्चर बॉर्डर है, मैं लिख देता हूँ नो आउटलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लोगो भी तैयार हो गया। अब लोगो लगने के बाद मैं यहाँ पर एक इसकी हेडिंग बना देता हूँ, मतलब जिस इंस्टीट्यूट के लिए, जिस कोचिंग के लिए या जिस कॉलेज के लिए इसको बनना है तो उसका यहाँ पर लाइन, मतलब पहली हेडिंग हमारी होनी चाहिए कि हाँ ये किस कॉलेज के लिए आईडी बन रही है।
कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग, जिस चीज़ के लिए भी आप अपना कार्ड बना रहे हैं या आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर यहाँ पर जाएंगे, और इंसर्ट पर जाने के बाद मुझे यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद कई सारे हमें ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन हम यहाँ से ले सकते हैं जो थोड़ा डार्क हो। मैं ये ले लेता हूँ ए, ठीक है। तो इसको लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट, और यहाँ पर अपनी पसंद का टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड आर्ट से ही लें, आप चाहें तो और भी ऑप्शन हैं इसके अंदर, लेटर को लेटर वाइज पूरा टाइप करके और उसको बोल्ड और इटैलिक और बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ले ले रहा हूँ। बाय द वे, ये इंस्टीट्यूट, कोचिंग, जो भी नाम आपको रखना चाहे वो आप रख सकते हैं यहाँ से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका इसको कैसे लेना चाहते हैं या इसका कलर क्या रखना चाहते हैं। फ़ॉन्ट कलर ब्लैक भी ले सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर यहाँ से, या ऐसे ले लीजिए, ये आपकी चॉइस होगी कि आप इसका क्या कलर रखना चाहते हैं। और इसके बाद आपको कोई एड्रेस वगैरह इसमें लिखना है तो इंसर्ट पे जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे शेप पे, शेप पे जाकर के यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे। पहले टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इसका एड्रेस लिख सकते हैं, बाय द वे इसका जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ से दे दिया गया, और आप इसके बाद आगे पिन नंबर दे दीजिए, वट एवर जो भी है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बस। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं ये जो वाइट कलर है मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो मैं इसमें जाऊंगा शेप फिल, शेप फिल है, और शेप फिल को मैं नो फिल कर देता हूं। तो सबसे पहले तो इसका कलर चला जाएगा, फिर शेप आउटलाइन पे जाता हूं और इसकी नो आउटलाइन कर देता हूं, तो इसकी जो आउटलाइन है वो भी यहाँ से चली जाएगी। और इस कलर का जो टेक्स्ट का जो कलर है इसको भी मैं यहाँ पर होम पे जा कर के यहाँ से ए है, इसका फ़ॉन्ट कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ग्रीन, रेड, नहीं ये नीचे लग रहा है मुझे, तो ब्लू भी ठीक नहीं लगेगा, कैसा लग रहा है ये, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको, अब डिज़ाइनिंग यहाँ पर पूरी हो गई है, डिज़ाइनिंग पूरी होने के बाद हमें यहाँ पर कुछ डिटेल भरनी है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वापस मुझे शेप पर आना है, और शेप पर मुझे यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना है। एक टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा आ जाएगा, वाइट कलर का दिख रहा है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे एंट्री करनी है कि मुझे इसके अंदर जो किसी भी आईडी के अंदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये भरी जाती हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे भर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे एंट्री करूँ, लेकिन मैंने इसके लिए पहले से ही नोटपैड में अभी एंट्री कर ली थी ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए और वीडियो हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो बाय द वे कुछ एंट्रीज जो मैंने यहाँ पर बनाई थी मैं यहाँ पर कॉपी करके और सीधे इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, तो बाद में कोई दिक्कत आती है तो मैं उसको एडजस्ट भी कर लूँगा। यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा लाइनें हो रही हैं, तो इस वजह से मैं पूरा ये कंटेंट सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक और फिर पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स में मुझे जा करके यहाँ पर दिख रहा है 10 पॉइंट्स मल्टीपल लाइन का मार्जिन दिख रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ एग्जैक्टली या एटलीस्ट कर देता हूँ, तो बहुत कम ही बीच में गैप रहेगा। हर पैराग्राफ के बाद थोड़ा सा गैप बोल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे गैप नहीं चाहिए, बाय द वे नहीं चाहिए, तो ओके कर देता हूँ। तो अभी कंटेंट मेरा, ये देखिए पूरा कंटेंट मेरा फिट होकर के इसमें आ चुका है, और अब ये कंटेंट हमारा पूरी तरह से रेडी है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अच्छा, और थोड़ा ऊपर नीचे भी इसको शिफ्ट किया जा सकता है। और सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड का जो वाइट कलर आ रहा है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इसको हटाना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर फॉर्मेट में और यहाँ पर शेप फिल जो है इसको मैं नो फिल पे कर दूंगा, तो नो फिल से हमारा ये जो वाइट कलर ही है चला जाएगा।
और किनारे एक आउटलाइन भी आ रही है, तो इसको मैं शेप आउटलाइन पे जा करके इस लाइन को भी हटा सकता हूँ। मैंने इसको भी हटा दिया, तब वो लाइन भी हट जाएगी। देखिए केवल हमें डॉटेड बाउंड्री दिख रही है, जो अभी वो भी चली जाएगी। तो मुझे केवल इसको अब एडजस्ट करना है। एक्चुअली मेरा कंप्यूटर थोड़ा पुराना है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि मैं इसको सेट कर रहा होता हूँ और ये एडजस्टमेंट नहीं होता है इसका। इसको थोड़ा सा मुझे अगर सेट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंटेंट सेट हो जाएगा। और अगर इसको लेफ्ट में थोड़ा सा हम ले जाना चाहें तो लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं, राइट में ले जाना चाहें तो राइट में ले जा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। या इसमें अगर आप अभी ये चाहें कि इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट, जैसे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गैप दे करके आए, तो गैपिंग आप यहाँ से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसका लुक और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मुझे नीचे एक और ऑप्शन बनाना है, जिसमें सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। अगर कॉलेज वगैरह का है या किसी इंस्टीट्यूट का है या कहीं का भी है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल, डायरेक्टर या कुछ ऐसा लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पर भी एक इंसर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर से आपको शेप पर जाना है, और शेप से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पर आप ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ मिलेगा आपको। तो ये सिग्नेचर के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी आप क्लिक करके इसको नो फिल, यहाँ पे शेप आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, अच्छा, और शेप फिल भी मुझे नहीं चाहिए, तो नो फिल कर देंगे। तो ये मैटर ऐसे ही कैसा लिखा मिल जाएगा हमें। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग से इसकी विजिबिलिटी हो जाए। होम पर जाएंगे और यहाँ पर बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, और इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी और जगह ऊपर से इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ पे डायरेक्टर लिखा है इसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं इसके अंदर। बाकी आप जितना अच्छा डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। ये तो एक प्रोसेस था जिसको आपको एक्सप्लेन किया गया कि कैसे एक आईडी कार्ड बन सकता है। ये आईडी कार्ड किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी कोचिंग के लिए, कहीं के लिए भी हो सकता है।